my mood ring. कितना भी हाई क्लास म्यूजिक क्यों ना बजा लो यार, बेस के बिना वो कहने के अधूरा होता। तो आज हमारे पास आ रखे हैं ऐसे तगड़े वाले बेस ईयरबड्स जिनका नाम है बेस ड्रॉप्स 100 करके, और विंग्स ने अपनी ईयरबड सेक्शन में पहली बार ANC प्रोवाइड करा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ईयरबड, फटाफट डब्बा खोल के देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो डब्बे में आपको देखने को मिलते हैं, आप सबसे पहले एक मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 1 साल का वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, साथ ही साथ एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी वाली प्रोवाइड कर रखी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयरटेस मिल जाएंगे तुम्हें डिफरेंट ईयर साइज के हिसाब से। अब सीधे बात करें मेन डिवाइस को लेकर, तो डिवाइस की मैं बात करना चाहूंगा कि ये स्लिक स्लिम और काफी कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इजीली आप इसको पॉकेट में कैरी वगैरह कर सकते हैं, दिक्कत वगैरह आने वाली नहीं है। और जो मटेरियल है वो काफी अच्छा यूज किया है, यानी कि जो प्लास्टिक है वो ड्यूरेबल आपको देखने को मिलता है। बस एक ही चीज मुझे यहाँ पे दिक्कत भरी लगी, जो कि आप सभी जानते हैं, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है ग्लॉसी फिनिश। आपको मालूम है कि मुझे मैट फिनिश बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्लॉसी फिनिश में दिक्कत ही रहती है, फिंगरप्रिंट्स भी लगते हैं और साथ ही इसमें जो स्क्रैचेस है ना वो इजीली कैच कर लेते हैं। बाकी अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा केस आपका मैं मिल जाता है। अब अंदर ईयरबड्स के बारे में बात करूँ तो फिटिंग काफ़ी टॉप नॉच रही है बड्स को। इसका स्टेम डिज़ाइन भी छोटा है, बड़ा आपको लंबा देखने को नहीं मिलता, छोटा स्टेम डिज़ाइन है, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, गिरते वगैरह नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा पार्ट हो जाता है। अब अच्छी बात यह कि सिलिकॉन एयर ट्यूब्स के साथ साथ में जो बेस है वो भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। 10 mm के इन्होंने ड्राइवर यूज़ करे हैं, जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ही ज़्यादा प्लीसफुल आपको मिलती है। स्पेशली उसके ट्रेबल्स है वो मुझे बहुत सही लगे, जो क्लैरिटी है यानी कि जो डिटेलिंग है वो काफ़ी शार्पली सुनी रहती है, और जो स्टीरियो सेपरेशन है वो काफ़ी इंपैक्टफुल आपको देखने को मिलता है। और बेस तो भाई सच में वो वाइब्रेशन आपको फील होता है 100% ना वॉल्यूम पे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसको कान से निकाल लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर है चीज़। बाकी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, और अच्छी बात यह कि इसमें ANC भी मिल जाता, तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी शोर शराबा हो रहा है और अगर फैन वगैरह AC वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो वो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है 30 dB तक की जो भी नॉइज़ है उसको। अगर उससे ज़्यादा कुछ होती है तो फिर वो आपको हल्की फुल्की सुनाई देगी डेफिनेटली, बट जो एक नॉर्मल ईयरबड्स आते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको एनहांस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एक ANC मोड में अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो। दूसरा, यहाँ पर आपको जो है थ्रू करके भी एक मोड देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली अपोजिट मोड है, जहां पे इसके माइक्रोफोन्स जो हैं आपके बाहर की आवाज को सिमुलेट करते हैं आपकी ईयरबड्स में। तो अगर आप सभी सामने बात कर रहा है व्यक्ति, उसके आप आवाज डायरेक्टली सुन पाओगे, आपको ईयरबड्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस मोड में स्विच करने की जरूरत है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है ईयरबड्स में। अब ईयरबड्स में एक मेजर कंसर्न जो रहता है लोगों के दिमाग में वो होता है कनेक्टिविटी को लेकर, तो भाई कनेक्टिविटी भी काफी सिमलेस मिलने वाली है, 5.0 ने यहाँ पे यूज किया है, जरूर थोड़ा सा पुराना हो गया मेरे हिसाब से, बट दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छे तरीके से 10 मीटर की रेंज में वर्क करते हैं, मुझे पर्सनली कोई भी दिक्कत यहाँ पे आई नहीं। IPX5 रेटेड भी है, तो अगर तुम इसको वर्कआउट के टाइम पे पहन रहे हो, रनिंग जॉगिंग के टाइम पे पहन रहे हो, स्वेट वगैरह आ रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इजीली इसको पहन के तुम घूम फिर सकते हो। अब यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही मेजर कंसर्न हो जाता है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। 25 hours का प्ले परफॉर्मेंस आपको मिलेगा विद चार्जिंग केस, यानी कि केस के साथ में आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, और वो भी नॉन ANC मोड में। वहीं अगर आप ANC मोड का यूज करें तो 20 hours का प्लेबैक हो जाता है, यानी कि 5 घंटे का प्लेबैक आपको कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिंगल चार्ज में जो काफी लोग पूछते हैं कि एक सिंगल चार्ज में आपके जो ईयरबड्स हैं वो 4.5 घंटे चल जाते हैं अगर आप उसको 50% ऑफ वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। बाकी एवरेज भी मान के चलें तो 2.5 घंटे के अराउंड आपके ईयरबड्स लास्ट कर जाते हैं, एक मूवी देख सकते हो कंप्लीटली ये मान के चल सकते हो अगर आपने सुबह फुल चार्ज कर लिया तो। बाकी कॉलिंग की बात करें तो वो भी काफी लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ पर आपको कॉर्ड माइक नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस काफी सीमलेस है, और इंडोर में तो आपको ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर में भी अगर एक्सट्रीम यहाँ पे नॉइज हो रही है तो फिर थोड़ा बहुत आपको इशू आ सकता है, बट मैंने इसके यहाँ पे टेस्ट करे माइक्रोफोन्स का, आप देखोगे किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देंगे। तो क्या जब आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहे हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा लग जाएगा जब भी तुम ईयरबड्स का यूज कर रहे हो कॉलिंग वगैरह के टाइम पे, गेमिंग वगैरह के टाइम पे, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देते हैं। बाकी बात की जाए गेमर्स वगैरह के लिए, तो भाई गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटेंसी का एस एच iOS डिवाइस में तो आपको इशू देखने को नहीं मिलता है, एंड्रॉइड वालों के लिए थोड़ा हल्का फुल्का लैग यहाँ पे आपको मिल सकता है, बट सराउंडिंग एक्सपीरियंस काफी सही मिलेगा, यानी कि आसपास की जो चीज़ें हैं डिटेलिंग्स है वो काफी सही आपको यहाँ पे सुनाई दे जाती है। और कैजुअल गेमिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फन और मजा आएगा इस ईयरबड्स को यूज करने में। वैसे आप लोग कन्फर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसका लेटेंसी टेस्ट किया है, तो एक बार नजर डाल लो। अब बाकी तो डिवाइस में आपको टच देखने को मिलता है, जो परफॉर्मेंस वो काफी सिमलेस है, यानी कि सिंगल टच पे जो है आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो राइट वाले से जो आपकी वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस होने लगती है, प्लस वाले से जो आपके यानी कि लेफ्ट वाले से आपकी जो वॉल्यूम यहाँ पे पड़ने लगेगी। अब यहाँ पे जो आपको ट्रैक को प्ले पॉज करना है, तो उसके लिए आपको डबल टैप करना होगा, कोई सी ईयरबड से डबल टैप करोगे तो आपका जो म्यूजिक हमें पॉज हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो आपका म्यूजिक जो वापस से प्ले हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रैक चेंज करना, तो उसके लिए आपको 3 बार टैप करना पड़ेगा, 1, 2, 3। राइट वाले से ट्रैक जो है फॉरवर्ड होते हैं, लेफ्ट वाले से आपके ट्रैक जो यहाँ पे बैकवर्ड हो जाते हैं।
असिस्टेंट को वेक करना है तो उसके लिए भी हमें फंक्शन दे रखा है, उसको अवेल करना पड़ेगा, या फिर राइट वाले ईयरबड्स को 3 सेकंड के लिए टच करके होल्ड, तो आपका जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेक हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको इसके जो डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं उनमें स्विच करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट वाले ईयरबड्स को टच करके होल्ड करना होगा 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट सुनाई देगा, जैसे कि अभी नॉइस कैंसलेशन मोड में चले गए, अभी मैंने वापस से टच किया है तो ये वॉइस थ्रू वाले मोड में चले गए, ये प्रॉम्प्ट आप सुन पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे जब भी आप इसको टच करेंगे 3 सेकंड के लिए। अब कॉल वगैरह की बात करें तो डबल टैप पे यहाँ पे कॉल आपके पिक हो जाएंगे और डबल टैप पे यहाँ पे कॉल जो यहाँ पे कट हो जाएगा, रिजेक्ट कर रहा है तो टच करके होल्ड करोगे तो आपका कॉल जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। कुछ इस तरह के टच फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फाइनली डिवाइस को मैं कंक्लूड करूँ तो एक चीज कहना चाहूंगा कि फॉर द प्राइसिंग काफी इंपैक्टफुल लगी मुझे डिवाइस, इतने सारे ईयरबड्स मैंने रिव्यू करे हैं, यहाँ पे डिजाइन भी अच्छा आपको मिल जाता है, साथ ही जो फिटिंग वगैरह वो भी काफी प्रॉपर है, और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो काफी लोगों के रिक्वायर्ड रहता है यानी कि बेस, तो बेस तो बहुत ही तगड़ा है, मुझे पर्सनली बहुत ही इंपैक्टफुल लगा और मैं श्योर 100% की अगर आप एक बेस लेवर है तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला, और साथ ही एनसी मिल जाता तो आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। जाते थे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है लाइक जरूर कर देना, दोस्तों का शेयर जरूर करना और कमेंट करना वो प्यारा वाला, जिसके लिए मैं हमेशा से इंतजार करता हूं, अच्छा लगता जब भी आते हैं। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहेगा एंड दो एक्सप्लोर के साथ।